हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सुंड के गणेश, एक लेफ्ट सुंड के गणेश। राइट सुंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सुंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सुंड का गणेश रखा जाता। जिसके दुकान व्यापार व्यवसाय में अगर राइट सुंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है, इसलिए घर में सीधी सुंड का गणेश और दुकान व्यापार व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सुंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया यहाँ कहाँ दिया, अब रखे हैं रखे रहे। लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं, तो राइट सुंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का, आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे, तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो, उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो, बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश। जय महादेव। मेरी वाइटी फैमिली, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व सबके जीवन में खुशियां लेके आए, इसी कामना के साथ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर महादेव।